हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे रियल एनालिसिस का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट रियल एनालिसिस का डाल चुके हैं, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इससे आगे क्वेश्चन हम इस प्रैक्टिस सेट में करेंगे। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन यानी 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इससे पहले 20 क्वेश्चन पहले वाले प्रैक्टिस सेट में है। तो चूंकि ये प्रैक्टिस सेट है और आपको अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करना है, तो अगर आपको इसका आंसर आता तो मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को दे सकते हैं। तो देखिए, समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, इफ ए एन बी एन वी सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर, यानी कि ए एन और बी एन जो है दो रियल नंबर के सिक्वेंस हैं, और यहाँ पे जो ए एन है और बी एन दोनों ही पॉजिटिव है और ए एन जो है वो छोटा है बी एन से, ठीक है, तब हमें इनमें से कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं तो कौन सा सही है। तो इनमें कुल मिला के सभी में कन्वर्जेंट के बारे में बताया है, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा है, एक तो यहाँ पे ये सेक्वेंस है बी एन, ठीक है। अब कन्वर्जेंट का मतलब होता है फोकस होना, यानी कोई लिमिट पॉइंट निकलना, ठीक है। जैसे कैमरे से हम किसी की फोटो खींचते हैं तो उसे फोकस करना पड़ता है, तो फोकस करना ही कन्वर्जेंट कहलाता है, और यानी ये किसी फिक्स पॉइंट पे जाके फोकस हो जाता है, यानी कि एक तरह से यूं कहें कि ये किसी पॉइंट पे जाके लॉक हो जाता है, ये बी एन। अब यहीं पे हम ए एन की बात करें, ए एन क्या इससे छोटा है, तो इसका मतलब इसके अंदर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का होगा ए एन। अब चूंकि अब देखिए बी एन क्या यहाँ से लॉक लग चुका है और जो ए एन है वो इसके अंदर है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से ए एन पे भी लॉक लगेगा, क्योंकि लॉक के अंदर है यानी फिक्स पॉइंट के अंदर है, तो इसमें भी निश्चित रूप से फिक्स पॉइंट मिलेगा। तो इसका राइट आंसर मिलेगा आपको बी, ए एन कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली, यानी कि ए एन निश्चित रूप से कन्वर्जेंट होगा व्हेन एवर बी एन कन्वर्ज एब्सोल्युटली। अगर बी एन कन्वर्ज है यानी कन्वर्जेंट, बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन जो है निश्चित रूप से कन्वर्जेंट होगा। तो राइट आंसर हो गया इसका बी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, पहले हम समझेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है, द सीरीज ये डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट इलिप्स और नॉन ऑफ दी, तो इनमें से क्या ये बताएंगे। तो यहाँ पे हमें यू एन गिविन है, तो यू एन हमारे पास है सिग्मा एन की पावर हाफ अपॉन 2n की पावर 5 प्लस 1। तो यहाँ से हम बी एन निकालेंगे, बी एन क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन न्यूमिरेटर और हाईएस्ट पावर ऑफ एन इन डिनोमिनेटर, यानी कि एन की पावर 5। तो यू कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 अपॉन n की पावर 9 अपॉन 2, ठीक है। तो सिंपली यू एन को जब हम लिखते हैं तो सिग्मा हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, यू एन ये लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे बी एन बिल्कुल सेम वैसा ही नेचर होता है जैसा कि यू एन का, तो इसे हम बोलते हैं कंपेरिजन टेस्ट, यानी कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ पे एन की जो पावर होती है वो पी की वैल्यू कहलाती है, वो कितनी है 9 अपॉन 2, और अगर ये एक से बड़ी होती तो सीरीज होती कन्वर्जेंट, ठीक है, और अगर ये एक से छोटा होता है पी की वैल्यू, पी लेस देन 1 और इक्वल टू होता है, तो होता है डी जी टी यानी कि डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर 9 अपॉन 2 एक से बड़ी है, तो इसका मतलब सीरीज जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन ये शर्त है कि इनका जो रेशियो है वो लिमिटिंग पॉइंट पे फाइनाइट आना चाहिए। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हम इसकी लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन बी एन ये निकालेंगे, और वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। तो यू एन है हमारे पास एन की पावर हाफ और ये 2n की पावर 5 प्लस 1, और इन टू में देखिए ये 1, ये ऊपर पहुंच जाएगा 9 अपॉन 2, तो ऊपर n की पावर 5 हो जाएगा, नीचे भी n की पावर 5 कॉमन ले लेंगे, तो n की पावर 5 हमने कॉमन ऊपर हो गया n की पावर 5, और n की पावर 5 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 2 प्लस 1 अपॉन n की पावर 5। अब देखिए जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे तो ये जाएगा 1 अपॉन 2, और हम जानते हैं 1 अपॉन 2 कैसा होता है, फाइनाइट होता है, ठीक है। तो फाइनाइट आ गया और पी की वैल्यू एक से बड़ी आ गई, तो मतलब सीरीज हो गई कन्वर्जेंट। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है।
तो क्वेश्चन नंबर 23 है, सीरीज ये कैसी है। तो पहले सबसे पहले हम इसका निकालेंगे टी एन यानी कि यू एन। यू एन क्या, 1 2 3 4, यानी कि ये तो हो जाएगा ऊपर एन, और नीचे आ जाएगा 1 3 5, ये हो जाएगी ए पी। ए पी का एन पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2n-1। एन की जब वन रख के देख लीजिए, पहला पद मिल रहा है नहीं मिल रहा, 2 रख के देखेंगे दूसरा मिलना चाहिए, फिर दूसरी बन रही ये वाली, तो 4 6 यानी कि 2n। ठीक है, अब इसके बाद निकालेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि कंपेरिजन टेस्ट से निकालेंगे तो यहाँ से हाईएस्ट पावर एन ऊपर की, और नीचे हाईएस्ट पावर हो जाएगी एन स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1/n। यहाँ पर देखिए पी की जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल टू 1 है, और हम जानते हैं पी की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1 हो तो वो, या तो लेस देन इक्वल टू 1 हो यानी पी 1 से छोटी है, 1 के बराबर हो, तो वो होती है DGT। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आंसर है इसका ए है, लेकिन ये जरूरी है कि यू एन अपॉन बी एन का जो रेशियो है लिमिटिंग पॉइंट पे वो फाइनाइट आना चाहिए, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन बी एन, तो देखिए लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, यू एन की जगह हम लिखेंगे एन अपॉन 2n-1 इंटू 2n, और ये पहुंच जाएगा ऊपर n, तो यहाँ पे देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और n कॉमन ले काट देंगे हम, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ से 2 तो पहले से ये n और ले लेंगे, तो जाएगा 2-1/n, और जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये जरूरी है कि यहाँ पे फाइनाइट नंबर आना चाहिए, अगर फाइनाइट आता है तो बी एन बिल्कुल यू एन की तरह नेचर करता है। तो पी टेस्ट से हम इसका निकालेंगे, तो पी की वैल्यू यहाँ पर 1 है, लेस इक्वल टू 1 है, डाइवर्जेंट होगी, तो राइट आंसर इसका हो गया ए। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं अभी चंपा अग्रवाल कॉलेज मथुरा में TGT गणित के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा इस TGT गणित में 11वां रैंक था और मैंने इस एग्ज़ाम में 111 क्वेश्चंस करेक्ट सॉल्व करें, 125 में से 111 क्वेश्चन सही करें, जिसकी बदौलत मेरा इस एग्ज़ाम में 11वां रैंक आया। और इस सफलता के पीछे मेरे गुरुजनों, मेरे भगवान का विशेष आशीर्वाद मुझ पर रहा, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा SP सैनी सर को, जिन्होंने परिचय के लिए मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करा। उनकी विशेष क्लासेज जो कि YouTube चैनल पर अवेलेबल हैं, और उनका टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करा, उसकी बदौलत मैं इतना मार्क्स इस एग्ज़ाम में स्कोर कर पाया। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यही एडवाइज करना चाहूँगा कि UP TGT PGT LT और भी जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं जिनमें मैथ्स आता है, उनके लिए आप इस SP सैनी सर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और उनकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, उनकी क्लासेज को ज्वाइन करें, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। दैट्स ऑल। लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, व्हेन एक्स इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 है तो ये सीरीज कैसी होगी। तो पहले x इक्वल टू 1 रख के हम इसका यू एन निकाल लेते हैं। तो जब हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ से जो सीरीज होगी वो ये आ जाएगी, 3 × 4। ठीक है, तो यहाँ से हम यू एन निकाल लेते हैं, तो यू एन जो होगा वो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि n, और 2 3 4 यानी कि n+1। तो इसे हम कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे, तो कंपैरिजन टेस्ट से करने के लिए बी एन निकालेंगे। बी एन क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर, एन की हाईएस्ट पावर, तो एन की हाईएस्ट पावर हो जाएगी बी, और एन की जो पावर होती है पी टेस्ट से,
पीए कहलाती है, पी इक्वल टू टू एन की जो पावर होगी वो पी कहलाएगी, और ये कहलाता है पी टेस्ट। और पी टेस्ट में अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है तो सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है, और अगर पी की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू वन होती है तो डाइवर्जेंट होती है, यानी डीजीटी होती है। तो यहाँ ग्रेटर देन वन है तो इसका मतलब पी इसका राइट ऑप्शन है। लेकिन शर्त ये है कि यू एन अपॉन वी एन का एन टेंड टू इन्फिनिटी पे फाइनाइट आना चाहिए, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन है हमारे पास यू एन वन अपॉन, इसमें एन कॉमन ले लेंगे हाथों हाथ हम, तो वन प्लस वन अपॉन एन ही हो जाएगा, ठीक है। और बी एन क्या है, यहाँ पे ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जब हम लिमिट रखेंगे तो कुल मिलाकर आ गया वन, यानी कि ये जो होता है फाइनाइट नंबर, तो ये मस्ट है कि फाइनाइट आना चाहिए। फाइनाइट आएगा तो बी एन जो है बिल्कुल उसका जो नेचर होगा वो बिल्कुल यू एन की तरह होगा, यानी यू एन का और बी एन का जो नेचर होगा वो सेम होगा। और इसमें हम पी टेस्ट लगाएंगे, पी टेस्ट तो एन की जो पावर होती है वो पी वैल्यू कहलाती है, वन से बड़ी है तो कन्वर्जेंट और लेस देन इक्वल टू डाइवर्जेंट, तो राइट आंसर हो गया इसका बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, इफ सेट हमें इस तरह का दे रखा है तो ये बताना है इनमें से क्या है क्लोज्ड और बाउंडेड, ओपन और बाउंडेड। तो क्लोज सेट का मतलब ये है कि अगर इस तरह का ब्रैकेट है तो क्लोज होता है और इस तरह का ब्रैकेट है तो ओपन होता है। बाउंडेड का मतलब होता है अगर उसका रेंज सेट हो, कोई रेंज सेट उसका उसका है, वो फाइनाइट रेंज सेट है तो वो क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए रेंज सेट अगर मैं निकालूँ इसका, रेंज सेट कैसे निकलता, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो अब देखिए एन के स्थान पे अगर मैं वन रख दूँ तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वन हो जाएगी, उसके बाद एन के स्थान पर अगर हम कोई और नेचुरल नंबर रखेंगे तो वो वन से छोटा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एन की जब बहुत बड़ा नंबर आ जाए, यानी कि बहुत बड़ा नंबर से जब वन को डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट जीरो आ जाएगा, तो इसका जो रेंज सेट है वो बिल्कुल बिल्कुल फाइनाइट है, जीरो और वन, तो इसका मतलब ये जो हो गया बाउंडेड हो गया। लेकिन क्योंकि एन के स्थान पर नेचुरल नंबर है बहुत बड़ा हम रखेंगे तो एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट जीरो होगा, तो इसको अगर हम सेट के रूप में लिखेंगे, ब्रैकेट के रूप में लिखेंगे, तो वन पे तो जीरो पे तो लगाएंगे ओपन और वन पे लगाएंगे क्लोज्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे ना तो ये ओपन है और ना ही क्लोज है, अगर ये होता तो क्लोज, ये होता तो ओपन, लेकिन इसमें इस तरह का है तो नीदर ओपन नोर क्लोज बट वॉन्टेड, ठीक है। वॉन्टेड इसलिए क्योंकि अपर अबाउंडेड है, अपर बाउंडेड हो या लोअर बाउंडेड हो, कहीं एक और बाउंडेड हो, सब बाउंडेड सेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो गया इसका, अगर होता इसमें लोअर बाउंडेड या अपर बाउंडेड तो हम उसके हिसाब से करते हैं, तो अपर बाउंडेड है ये, अपर बाउंडेड इसमें कहीं है नहीं, बाउंडेड लिखा तो इसका मतलब राइट आंसर हो गया इसका सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है द सीरीज ये कन्वर्जेंट, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इनमें से कौन सा रिलेशन है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, अगर सीरीज में एक्स वगैरह आ जाता है तो हम रेशियो टेस्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। तो रेशियो टेस्ट में सबसे पहले हम निकालेंगे यू एन, यू एन क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है वन का पावर वन इंटू टू की पावर टू, थ्री की पावर थ्री, यानी कि आ जाएगा एन की पावर एन, ठीक। और फिर इसी तरह से एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री, तो यह आ जाएगा एक्स की पावर एन। अपोन में करें तो यहाँ पर अपोन में लिख सकते हैं फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल थ्री, यानी कि एन फैक्टोरियल। और रेशियो टेस्ट में हम निकालते हैं यू एन प्लस वन, यू एन प्लस वन का मतलब एन के स्थान पे एन प्लस वन रख देंगे, एन के स्थान पे एन प्लस वन। अब रेशियो का मतलब ये है कि हमें लिमिट भी लगानी है, एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ठीक है, यानी कि इसको डिवाइड करना। तो पहला वाला तो इसमें हम कुछ करेंगे नहीं, एन की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। अब इसमें देखिए थोड़ा सा हम इसको सॉल्व भी करते चलेंगे, तो एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन का मतलब है एन प्लस वन की पावर एन पावर एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर एन इंटू एक्स,
ये नीचे वाली चीज ऊपर पहुंच जाएगी, यानी कि हम इसको एक बार खोल देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स की पावर एन से ये कैंसिल हो जाएगा, और एन प्लस वन से आई थिंक ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, और ये बचा यहाँ पे एन की पावर एन बचा, तो यहाँ पे एन कॉमन ले लेंगे यहाँ से और इसे काट देंगे एन कॉमन लेके, तो यहाँ जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन इंटू एक्स। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसमें वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन है, वैसे तो इसकी वैल्यू होती है ई, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो इसे इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ एक्स जो है मैं यहाँ यहाँ लिख लेता हूँ, और इसे जब भी इसमें लिखेंगे तो इसे ई की पावर लिखते हैं, तो ई की पावर में लिखेंगे लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसमें से एन वन अपनी तरफ से माइनस करते हैं और जो पावर होती है वो इनटू में जाती है। ये शॉर्ट ट्रिक है इस तरह की लिमिट को सॉल्व करने का। तो देखिए वन से वन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और जो पावर है वो इनटू में जाएगी एन, एन है तो यहाँ पे इनटू में जाएगी एन, एन से एन एन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर ये आ गया वन अपॉन एक्स ई। अब हमें क्या दे रखा, कन्वर्जेंट दे रखा, तो फोर सी जी टी। हम जानते हैं कन्वर्जेंट के लिए जो ये हायर रेशियो ये जो होता है ग्रेटर देन वन होता है, इन एक्स ई ग्रेटर देन वन। ठीक, तो अगर हम इसका वन अपॉन हमें एक्स निकालना, तो इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो लेस देन हो जाएगा एक्स ई लेस देन वन, यानी कि एक्स लेस देन वन अपॉन ई। ठीक है, और एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन अपॉन ई, ई की वैल्यू टू पॉइंट समथिंग होती है, तो यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी इससे छोटी है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर देखिए वन से छोटी, तो यहाँ पे बड़े दे रखा तो इसका मतलब जीरो से बड़ी होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब हमने जीरो खिलाया, देखिए यहाँ पे याला तो ये तो आ ही नहीं दिया, केवल वन अपॉन ई आ रहा, तो यहाँ पे ये वन ग्रेटर देन वन अपॉन ई है। ठीक है, हमारा लेस देन, तो इसका मतलब ये वाला राइट आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, सेकेंड्स ये, तो ये सेकेंड्स किस प्रकार का मोनोटोनिक, मोनोटोनिक का मतलब बढ़ता हुआ होना चाहिए, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए, नॉट बट नॉट बॉन्डेड, बॉन्डेड मतलब बॉन्ड नहीं होना चाहिए, बॉन्डेड बट नॉट मोनोटोनिक, मोनोटेटिक एंड मोनोटोनिक एंड बॉन्डेड, नीदर मोनोटेटिक नॉर बॉन्डेड। तो देखिए पहले हम इस पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए वन यहाँ पर आया हुआ, फिर वन अपॉन थ्री प्लस में देखें तो वन अपॉन फाइव, यानी कि मैक्सिमम नंबर जो वन है, यानी वन से बड़ा नंबर हमें इसमें नहीं मिलने वाला। तो सबसे बड़ा नंबर जो है यहाँ पे क्या है, वो वन है, वन से बड़ा हमें इसमें कोई नंबर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि इधर जाकर ये वन पे बॉन्ड हो गए, यानी क्लोज हो गए। अब उसके बाद इससे छोटा वन अपॉन थ्री भी है, वन अपॉन फोर इससे छोटा, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन फाइव। ठीक है, और इसी तरह से जब एन के स्थान पर बहुत बड़ा नंबर रखा जाएगा तो यहाँ कहीं जीरो भी आ जाएगा। अब इसी तरह माइनस में बात करें, तो माइनस में देखिए अगर माइनस टू माइनस फोर होता तो यानी कि सबसे बड़ा नंबर हम इधर लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के वन अपॉन टू, सबसे छोटा नंबर जो होगा वो, यानी कि नीचे अपॉन में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो माइनस की वजह से सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस वन अपॉन फोर, और इसी तरह से यह जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉन्ड तो हो गया ये, ठीक है बॉन्ड तो हो गया, लेकिन मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक में क्या है, बढ़ती हुई वैल्यू होनी चाहिए बस, केवल पहले इस तरह छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, तो यहाँ पे इधर घट रही है वैल्यू और इधर क्या है, बढ़ रही है वैल्यू। तो यहाँ पे अगर केवल बढ़ती हुई होती इस तरह से तो वो मोनोटोनिक होता, तो यहाँ पे क्या है, बॉन्डेड तो है बट नॉट मोनोटोनिक, तो राइट आंसर हो गया इसका बी। लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, श्रेणी ये है अभिसारी यानी कन्वर्जेंट, अपसारी यानी डाइवर्जेंट, आंदोलित कंपित यानी कि ऑक्सीलेटरी, इनमें से कोई नहीं, नन। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो सीरीज है वो जीपी है,
और जो सीरीज जीपी होती है तो उसके केवल कॉमन रेशियो से हमें मालूम चल जाता है कि ये सीरीज कैसी है। कैसे? अगर आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, आर की वैल्यू क्या, 0 से 1 के बीच में, यानी कि मोड आर की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 है, तो वो हो जाती है सी जी टी। और अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो वो हो जाती है डाइवर्जेंट। और आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 है तो वो जाती है ऑस्किलेटरी, ऑस्किलेटरी, ठीक है। तो ये कंडीशन है इसकी। तो अब यहाँ पे आर की जो वैल्यू है वो आर की वैल्यू कितनी है, 2/3, और ये है हम जानते हैं यानी कि मोड आर जो हो जाएगा वो 2/3 लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 का मतलब है कि सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। तो यहाँ पर हाँ, ये मैंने बिल्कुल ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट और लेस देन इक्वल टू 1 पे ऑस्किलेटरी, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लिया था, कंडीशन बिल्कुल ठीक लिखी है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो गया ए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या, सीरीज ये इजी, ये जो सीरीज है किस प्रकार की है, कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और ऑक्सीलेटली फाइनाइटली। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर हम यूएन निकालें तो यूएन जो आएगा वो 2, 3, 4, यानी कि n+1, क्योंकि निगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर देते हैं, ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि अगर हम इसमें लेबनिज टेस्ट लगाएं तो लेबनिज टेस्ट में क्या होता है, अगर प्लस माइनस हो यानी अल्टरनेट हो और घटती हुई हो और उसकी जो एन टेंड टू इन्फिनिटी लगा के 0 आ जाए तो कन्वर्जेंट होती है, लेकिन वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होती है। दूसरा ये भी है कि अगर हम इसमें लिमिट लगाएं एन टेंड टू इन्फिनिटी और वो फाइनाइट नंबर आ जाए, ठीक है, तो भी कन्वर्जेंट होती है, लेकिन वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होती। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जो होती है वो रेशियो टेस्ट से शुरू होती है, यानी पी टेस्ट से शुरू होती है। अगर पी टेस्ट या रेशियो टेस्ट के बाद हम चलते हैं तो उससे ब्लू कन्फर्म रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे यू एन हमें ये दे रखा है, अगर हम इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन, तो जब लिमिट लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 क्या, फाइनाइट तो है, फाइनाइट पर कन्वर्जेंट तो होती है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होती, ठीक है। अब हम लेबनिज टेस्ट इसमें लगाते हैं तो देखिए अल्टरनेट सीरीज आ रही है और घट भी रहे हैं टर्म, ठीक, लेकिन लिमिट 0 नहीं हो रही तो इसलिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। अगर इसमें हम पी टेस्ट लगाते या रेशियो टेस्ट लगाते, वहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करते, तब अगर वो कन्वर्जेंट आता तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो। तो यहाँ पर देखिए अगर हम रेशियो टेस्ट लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर एन लोएस्ट पावर, तो वी एन की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो रेशियो टेस्ट तो इसमें वैसे भी, कंपेरिजन टेस्ट भी नहीं लगेगा इसके अंदर, रेशियो टेस्ट तो लगेगा नहीं, कंपेरिजन टेस्ट भी इसमें नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये जो है कन्वर्जेंट तो है फाइनाइट नंबर होने की वजह से लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो राइट आंसर हो गया इसका ए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या, द सीरीज ये कैसी है अगर एक्स इक्वल टू 1 है। तो पहले एक्स इक्वल टू 1 पे हम देखिए यू एन निकालते हैं, तो एक्स इक्वल टू 1 रख देंगे और यू एन निकालेंगे तो यू एन बराबर हो जाएगा 1/(n³+1), ठीक है। और यहाँ से हम बी एन निकालेंगे, बी एन क्या होगा, हाइएस्ट पावर ऑफ एन, यानी कि n³। तो यहाँ पे एन की पावर पी से अगर हम कंपेयरिंग करें तो पी इज इक्वल टू कितना, 3 है, और ये कैसा है, ग्रेटर देन 1 है। और पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती तो हम जानते हैं ये होता है सी जी टी, यानी कन्वर्जेंट, ठीक है। लेकिन क्या जरूरी है कंपैरिजन टेस्ट में, क्योंकि यहाँ हम कंपैरिजन टेस्ट कर रहे हैं, इसका बी एन और यू एन का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसका जो रेशियो है वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट नंबर आना चाहिए। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन बी एन, तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन है हमारे पास 1/(n³+1), बी एन क्या है, n³ है। अब n³ कॉमन ले लेंगे, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी
एन क्यूब, अब एन क्यूब हमने यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, वन अपॉन एन क्यूब, और जब हम लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर वन आएगा, और वन कैसा नंबर है, फाइनाइट, ये फाइनाइट आना जरूरी है, जब ये फाइनाइट आता है तभी ये यहाँ पे पी टेस्ट अप्लाई करते हैं, और जो पी टेस्ट होता है बी एन और यू एन का बिल्कुल सेम नेचर होता है, तो पी टेस्ट से बी एन क्या है, वो कन्वर्जेंट है, अब चूंकि बी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगा, तो राइट आंसर हो गया ए। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, द सीरीज ये कैसी है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्लियर कि ये माइनस नेगेटिव साइन को तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे अगर हम इसका यू एन निकालें तो यू एन बराबर हो जाएगा यहाँ पे वन अपॉन वन का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर वन अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम देखिए पी टेस्ट से करें, तो पी टेस्ट से क्या आ रही है, पी की वैल्यू जो आ रही है इज ग्रेटर देन टू, यानी पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पी इज इक्वल टू है टू, और जो ग्रेटर देन वन है तो हम जानते हैं ये होता है सी जी टी यानी कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू वन होता है तो डाइवर्जेंट, तो राइट आंसर हो गया इसका बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या, सीरीज सिग्मा एन टेंड टू इन्फिनिटी ये हमें दे रखा है, यानी कि ये हमें, मैं सिंपली यूँ लिखूं कि यू एन हमें दे रखा है साइन पाई अपॉन एन की पावर पी, ठीक है ये हमें दे रखा है, तो किस कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यू पी, कन्वर्जेंट इफ पी ग्रेट लेस देन वन एंड डाइवर्जेंट इफ पी लेस देन इक्वल टू वन, कन्वर्जेंट इफ पी ग्रेटर देन वन एंड डाइवर्जेंट फॉर पी लेस देन इक्वल टू वन, डाइवर्जेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे साइन का अगर हम एक्सपेंशन करें तो हाईएस्ट वैल्यू जो साइन की आ जाएगी वो आ जाएगी पाई अपॉन एन की पावर पी, क्योंकि साइन की जो अधिकतम वैल्यू होती है वो वन होती है, तो उससे ज़्यादा तो होगी नहीं, तो इसका अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो उस एक्सपेंशन से उसे हम यू एन है तो उसे हम बी एन मान लेते हैं, ये आ जाएगा पाई अपॉन एन की पावर पी, ठीक है, क्योंकि साइन का जो एक्सपेंशन होता क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन थ्री प्लस के एक्स की फाइव अपॉन फाइव, ये होता है किसका, साइन एक्स का एक्सपेंस, तो एक्स के स्थान पे यहाँ पे पाई अपॉन एन की पावर पी है, तो हाईएस्ट वैल्यू जो जाएगी क्या जाएगी यहाँ पे पाई अपॉन एन की पावर पी, तो अब हम यहाँ पे इसमें पी टेस्ट लगा दें, क्या लगा दें, पी टेस्ट, तो पी टेस्ट क्या कहता है, पी टेस्ट कहता है अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो कन्वर्जेंट और लेस देन इक्वल टू है तो डाइवर्जेंट, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, इनमें से एब्सोल्युट कन्वर्जेंट सीरीज कौन सी है, तो सबसे पहली सीरीज को देखते हैं, देखिए सबसे पहली बार तो अल्टरनेट है, जो लेबनिज़ टेस्ट होता है उसमें अल्टरनेट सीरीज हो और घटते हुए क्रम में हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट तो है लेकिन घटते हुए क्रम में नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट तो हो ही नहीं सकती, इसे तो हम वैसे ही काट देंगे पहली बार में, ठीक, और दूसरी बात अगर हम n के स्थान पे अगर हम इन्फिनिटी रखते हैं तो भी ये जीरो नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लेबनिज़ टेस्ट कहता है कि अल्टरनेट सीरीज होनी चाहिए, घटती हुई होनी चाहिए और साथ में n टेंड टू इन्फिनिटी पे जीरो आना चाहिए, तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होती है लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट फिर भी नहीं होती, तो यहाँ पर देखिए वन वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री वन अपॉन फोर, तो सबसे पहली बात तो देखिए अल्टरनेट है यानी कि प्लस माइनस में है, घटती हुई है यानी कि टर्म भी माइनस घटते चले जा रहे हैं, सही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी लगा दें तो ये टी एन यू एन जो होगा इसका माइनस वन की पावर n माइनस वन अपॉन n, n की जगह अगर इन्फिनिटी लगा दें तो वो जीरो भी आ रहा है, जीरो आ रहा है तो कन्वर्जेंट, मे भी कन्वर्जेंट होता है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होता, तो मे भी सी जी टी, ठीक है, एब्सोल्युट कन्वर्जेंट तभी होगा जब हम इसमें टेस्ट लगाएं, कौन सा टेस्ट, पी टेस्ट से शुरू करें, तो पी टेस्ट से अगर हम करेंगे तो पी इक्वल टू वन, वन पर तो डाइवर्जेंट होता है, तो इसका मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ही नहीं है, ठीक है, मे बी कन्वर्जेंट है ये, इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ भी देखिए प्लस माइनस चल रहा है, तो प्लस माइनस अल्टरनेट तो है, घटते नहीं ये सीरीज वो भी सही है, और एन की अगर हम इन्फिनिटी लगा दें तो जीरो भी आ रहा है, तो कन्वर्जेंट तो है किससे, लेबनिज़ टेस्ट है, लेकिन वो एब्सोल्युट कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे मे बी सी जी टी, यानी कि जो लेबनिज़ टेस्ट है उससे ये जो है मे बी कन्वर्जेंट, लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के लिए जरूरी था जब हम पी टेस्ट लगाएं या कोई आगे का टेस्ट लगाएं तो वो क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए अगर पी टेस्ट लगाएंगे तो पी की वैल्यू जो आएगी वो हाफ आएगी, हाफ पर डाइवर्जेंट होता है, तो इसलिए मे बी कन्वर्जेंट। अब इस पर देखें, देखिए यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, सबसे नंबर एक, नंबर एक तो ये अल्टरनेट है,
अल्टरनेट, ठीक है, नंबर एक। दूसरी बात, डिक्रीजिंग सीरीज भी है, अगर माइनस को हम नेगलेक्ट कर दें तो डिक्रीजिंग भी है। तीसरी बात, अगर हम इसमें एन टेंड टू इन्फिनिटी रख दें तो वो जीरो भी आ रहा है, ठीक है, तीनों पास होगा तो सी जी टी हो गया, लेकिन ये अभी मे भी कन्वर्जेंट होता है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तब होगा जब हम इसमें टेस्ट लगाएं, यानी कि हम देखिए पी टेस्ट लगाएं तो पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी जी टी यानी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया इसका डी। लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, द इनफाइनाइट सीरीज ये किस टाइप की है, अगर कन्वर्ज है यानी कन्वर्जेंट है तो इनमें से कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए अब चूंकि जैसा कि मैंने बताया था अगर एक्स की टर्म में है तो हम जो है इसको रेशियो टेस्ट से शुरू करते हैं, ठीक है, पी टेस्ट अगर लगेगा नहीं तो रेशियो टेस्ट से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे यू एन, तो यू एन यहाँ पर हमें दिख रहा है 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 1 इंटू एक्स, अच्छा तो 1 इंटू एक्स की पावर यहाँ पे एन माइनस वन कर सकते हैं, देखिए तो एन इंटू एक्स की पावर यहाँ पे 0 लिख दें फिलहाल, तो 0 होगी तो 1 हो जाएगी, तो एक्स की पावर एन माइनस वन, एन के स्थान पर 1 रखेंगे, देखिए पहली लाइन मिल जाएगी, दूसरा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे यू एन प्लस वन, क्या निकालेंगे, यू एन प्लस वन, क्योंकि रेशियो टेस्ट में एन प्लस एन की जगह एन प्लस वन रखा जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन। अब हम इसमें लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ये कितना है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पर एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी इसे ले सकते हैं एन इंटू एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर माइनस वन, और इसे इसमें से एन कॉमन ले लेते हैं हम, ये हो जाएगा 1 प्लस के 1 अपॉन एन इंटू एक्स की पावर एन, ठीक है। तो यहाँ देखिए एन से एन कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और जब हम लिमिट लगाएंगे एन टेंड टू इन्फिनिटी तो सिंपली आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर कन्वर्जेंट दे रखा है तो हम जानते हैं रेशियो टेस्ट में 4 CGT, यानी कन्वर्जेंट के लिए क्या होता है, जो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन ग्रेटर देन वन होता है, ठीक है, ग्रेटर देन वन, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू वन। तो एक्स लेस देन इक्वल टू वन, अब यहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल टू वन कर दो, ये मोड एक्स कर दो, क्योंकि पॉजिटिव ही, अगर नेगेटिव साइन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और मोड एक्स लेस देन वन इक्वल नहीं, क्योंकि इक्वल टू का तो फेल हो जाता है, तो राइट आंसर हो गया इसका सी। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, द डाइवर्जेंट सीरीज इज, तो इनमें से कौन सी सीरीज डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यू एन हमें दे रखा, और एन के स्थान पर जैसे ही हम इन्फिनिटी लगाएंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 हो जाएगा 1, यानी 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, यानी फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो फाइनाइट नंबर से ये मालूम चल रहा है कि जो सीरीज होगी वो सी जी टी आ गई। ऐसे यहाँ पर देखिए इसमें अगर वी एन निकालेंगे तो 1 अपॉन n² यानी पी की जो वैल्यू है वो 2 आ रही है, ग्रेटर देन 1 है, तो इससे बदलता है ये सी जी टी हुई। और यहाँ पे साइन का अगर हम प्रसार करें तो हाईएस्ट वैल्यू जो बी होगी वो 1 हो गया, यानी पी इक्वल टू जो होगा वो 1 होगा, और जब पी इक्वल टू 1 होता है यानी लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो वो सीरीज होती है डाइवर्जेंट, तो ये डाइवर्जेंट हो गई। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 1 अपॉन n² यानी पी की जो वैल्यू वो 2 है, और 2 क्या होता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, यानी ग्रेटर देन 1 होता है, और ग्रेटर देन 1 पर क्या होती है, सी जी टी होती है, यानी कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया सी। लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, फॉर एन इनफाइनाइट सीरीज एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन द ट्रू स्टेटमेंट, अगर कोई सीरीज इनफाइनाइट है तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा।
तो जैसा कि हमें मालूम है कि अगर कोई सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है, नंबर एक वो अल्टरनेट हो, दूसरी बात उसके जो टर्म है डिक्रीजिंग हो, और लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी में वो जीरो आ जाए, तो वो जो होती है कन्वर्जेंट तो होती है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होती। जब कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, बट नॉट सफिशेंट। तो यहाँ पर देखिए इस हिसाब से राइट आंसर जो बनना है वो बनना है फर्स्ट, क्योंकि यू एन इक्वल टू जीरो पर नेसेसरी कंडीशन यानी कि कन्वर्जेंट तो होगी बट नॉट सफिशेंट कंडीशन, लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगी, तो इसी को हम बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बाकी सभी में देखिए सफिशेंट सफिशेंट तो है ही नहीं, दूसरी बार नेसेसरी एंड सफिशेंट ये भी नहीं है, नीदर नेसेसरी कंडीशन और नॉर सफिशेंट तो ये भी नहीं है, तो राइट आंसर हो गया इसका ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 है द इनफाइनाइट सीरीज ये कैसी है। तो इनफाइनाइट सीरीज अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका यूएन निकालूँ तो यूएन जो आएगा वो आएगा कोस 1/1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 1/n का क्यूब। और देखिए अगर मैं इसका प्रसार करूँ तो वो आएगा 1/n का प्रसार में, सबसे पहले आता कोस के प्रसार में 1, फिर आता एक्स यानी कि 1/n³ का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। कहने का मतलब ये है कि कोस की जो हाईएस्ट वैल्यू वो 1 होती है, बाद में इसमें देखिए छोटी होती चली जाती है, तो कहने का मतलब ये है कि नॉट फाइनाइट आता है, यानी फाइनाइट वैल्यू नहीं आती, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू होती तो एक ही नंबर आ जाता है। अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये जो सीरीज हो गई डाइवर्जेंट हो गई। इसको हम देखिए लिमिटिंग केस से भी कर सकते हैं, यानी कि लिमिट एन टेंड टू, अगर इसमें इन्फिनिटी लगा दें यू एन में, तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी कोस 1/n³। आप जरा ध्यान से समझेंगे, एन की जगह हम इन्फिनिटी लाएंगे तो 1/∞ होगा, और 1/∞ जो होता है अप्रोक्सीमेट जीरो होता है, यानी एग्जैक्ट जीरो नहीं होता। तो जब एग्जैक्ट जीरो नहीं होता तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट 1 भी नहीं होगी, तो कैसी होगी? अप्रोक्सीमेट 1 होगी, यानी कि नॉट फाइनाइट, नॉट फाइनाइट, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये जो होगी वैल्यू 0 के अप्रोक्सीमेट होगी, ठीक है, नॉट फाइनाइट होगी तो सीरीज हो जाएगी डाइवर्जेंट। राइट आंसर हो गया इसका बी। अब यहीं पे देखते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? सीरीज ये कन्वर्जेंट, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो बताना इनमें से कौन सी कंडीशन है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब भी एक्स आ जाए तो हम रेशियो टेस्ट से शुरू करते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे यू एन। तो यू एन देखिए क्या है यहाँ पे, एक्स यहाँ इसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, तो अगर हम एक आध टर्म इसमें नेगलेक्ट भी कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर निकालेंगे 1, 3, 5, यानी कि 1, 3, 5 अप टू 2n-1, क्योंकि n के स्थान पर जब 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है, 2 रखेंगे तो यहाँ तक मिल जाएगा, और यहाँ पर आएगा अपॉन में 2, 4, 2, 4, यानी अप टू 2n। अब x की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2n-1, इसमें और इसमें कितना अंतर है? 2 का अंतर है, यानी 2 ज़्यादा आएगा यहाँ पे, 2n+1, और जो ऊपर है वही नीचे आएगा इसमें, ठीक है, तो ये हो गया यू एन। अब हम यहां से निकालेंगे UN+1, तो UN+1 यानी कि n के प्लेस पे n+1। तो अगर इस तरह की सीरीज होती है तो जब n के स्थान पे n+1 होते हैं तो अगला टर्म लिख लेते हैं हम यहाँ पे, तो अगला जो टर्म होगा इसमें हो जाएगा 2n+1, ऐसे नीचे करना, देखिए 2, 4, और लास्ट में क्या है 2n है, और n के स्थान पर जब n+1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2n+2, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो 2n+3 हो जाएगा, यहाँ पे जब n के स्थान पे n+1 रखेंगे नीचे भी 2n+3 हो जाएगा। अब देखिए रेशियो टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन UN+1 निकालेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये वाले से इतना कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा
दिस, अब देखिए यहाँ पे ये है तो ये चीज़ तो पलट जाएगी, तो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 2n+2 / 2n+1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 2n, ये चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2n+3 / 2n+1, और यहाँ पे x की पावर 2n+1 है, ये है 2n+3, तो इसे हम लिखेंगे x की पावर 2n+1, और यहाँ 2n+3 को ले सकते हैं x की पावर 2n+1 × x², ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए n कॉमन यहाँ से लेंगे, चलो मैं अगली लाइन में यहाँ पे दिखा देता हूँ, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, n यहाँ से लेंगे, n यहाँ से लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 2/n, यहाँ भी 2 + 3/n, और ऐसे नीचे तो 2 + 1/n, यहाँ भी 2 ले लेंगे तो 2 + 1/n, और यहाँ बचा 1/x². अब हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो ये कैंसिल आउट और सेकंड वाला 0 हो जाएगा, कुल मिला के ये बचेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या दे रखा हमें, कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट के लिए क्या होता है, 4CGT, तो 1/ जो x² है इज ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है, जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आ गया बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 लीजिए, क्वेश्चन नंबर 39 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, द सीरीज ये एंड ये बोथ आर कन्वर्जेंट, तो जैसा कि हमने अभी बताया था आपको साइन वाले में जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो एन स्क्वायर, अगर पी टेस्ट से करें तो यहाँ पे पी इज इक्वल टू कितना आ रहा, 2 आ रहा, यानी कि ग्रेटर देन 1 आ रहा, और हम जानते हैं ग्रेटर देन 1 पे क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। और कॉस पाई अपॉन 2 की पावर n, यहाँ पे अगर इसका एक्सपेंशन करते हैं तो 1 - समथिंग आता है, यानी कि फाइनाइट नहीं आती वैल्यू, जब फाइनाइट नहीं आती तो ये हो जाता है डाइवर्जेंट, तो कॉस वाली टर्म डाइवर्जेंट और साइन वाली कन्वर्जेंट अगर यहाँ पे एन की जो पावर है वो 1 से बड़ी हो, तो बोन कन्वर्जेंट नहीं है, ये भी इसका आंसर नहीं है, ये एंड ये बोथ डाइवर्जेंट, ये भी नहीं है, और इसके बाद थर्ड ये डाइवर्जेंट एंड ये कन्वर्जेंट, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं। अब देखिए इस पे ये इज कन्वर्जेंट एंड ये डाइवर्जेंट, तो ये हमने देखिए पहले भी करा चुके हैं, कॉस वाला जो है सीरीज है 1 - समथिंग नॉट फाइनाइट टर्म आता है, डाइवर्जेंट होती है, ये कन्वर्जेंट होती कब, अगर यहाँ पे ये जो वैल्यू हो ग्रेटर देन 1 है, तो राइट आंसर हो गया इसका डी। अब देखिए हम दिखाते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए इसको देखेंगे ध्यान से, फॉर द सीरीज ये पॉजिटिव टर्म ये विच इज द फॉलोइंग ट्रू, तो हम जानते हैं un/(n→∞) या un/(un+1), un/(un+1) जो होता है वो रेशियो टेस्ट होता है, तो रेशियो टेस्ट में क्या होता है, कन्वर्जेंट ग्रेटर देन 1 होता है, कन्वर्जेंट होता है, लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट होता है, और इक्वल टू पर टेस्ट फेल होता है, तो यहाँ पर देखिए un/(un+1) है, तो रेशियो टेस्ट के हिसाब से तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, हाँ तो सीरीज इज कन्वर्जेंट, अब एल की वैल्यू क्या हो 1 से बड़ी हो, और डाइवर्जेंट कब होती है जब एल की वैल्यू 1 से छोटी हो, तो यहाँ पे 1 से 1 पे छोटी, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे जो है un/(un+1) > 1 है तो कन्वर्जेंट होती है, लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट होती है, तो ये रॉन्ग हो गया, और 1 पर जो होता है वो टेस्ट फेल होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, चूंकि पहला आंसर आ गया इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ए। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको करा दिए हैं, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप टेस्ट सीरीज जोर से जुड़ना चाहें तो टेस्ट सीरीज से जुड़ दीजिए, जबरदस्त प्रैक्टिस उसके अंदर जुड़ने की, टेस्ट सीरीज से कैसे जुड़ना उसके लिए जो स्क्रीन आपकी चल रही है उस पर एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, वहाँ पर आप मैसेज से लिख दीजिए हाँ आई वॉन्ट टू जॉइन टेस्ट सीरीज, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ने की मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।